गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग बच्चों एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक नीट यू जी ये एक धमाकेदार सेशन मैं बीच में लेना चाह रही थी आपका क्योंकि अभी जल्द ही सी बी एस ई ने अनाउंस किया बहुत अच्छी अनाउंसमेंट दी आपके लिए ताकि आपकी पढ़ाई को एक बूस्ट मिल पाए और आप समझ पाओ कि किस तरीके से आप तैयारी करनी है तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाएंगे फटाफट से एक सेकेंड पहले ये बता दें सारे बच्चे कि आई यू एबल टू सी मी एंड हियर मी जल्दी से बता देंगे आर यू गाइज एबल टू सी मी एंड ही हाँ जी तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सारे चेंजेस हैं अभी तक सारे बच्चे कह रहे थे मैम 2021 के लिए ही सब कर रहे हो 21, 22 और 23 के लिए कुछ नहीं हो रहा है तो बच्चों जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा एलेवेंथ में बच्चे आए हैं या ताज़ा ताज़ा ट्वेल्थ में अभी बच्चे आए हैं ये अनाउंसमेंट दोनों के लिए ही है क्लास एलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ तो फटाफट से आ जाएंगे क्या बात है भाई तो क्लास इलेवेंथ के बच्चे और क्लास ट्वेल्थ दोनों के बच्चे जाने की नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दोनों ही तरह के बच्चों के लिए ये अनाउंसमेंट है कोई मिस नहीं करेगा बहुत 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 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जल्दी से जल्दी से जुड़ जाएंगे सारे लोग जल्दी से गज़ब है वही अनाउंसमेंट सुनने भी कोई नहीं आ रहा है हाँ जी चलिए तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल ए नाम है बी डी एस गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एम एस रामिया डेंटल कॉलेज सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंटिस्ट आई एम बींग वेरी पैशनेट एडोकेटर और आज कर रहे हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एक बड़ा चेंज इन सिलेबस जो नीट ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए उनके बोर्ड के सिलेबस में तो बोर्ड्स में गवर्नमेंट में सी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं पिछले साल ड्यू टू कोविड डेफिनेटली कोविड इस साल भी है बट स्टिल वी आर मोर प्रिपेयर देन लास्ट टाइम ठीक है तो कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने की थी अब वापस से कुछ चेंजेस और कर दिए हैं सिलेबस में लेकिन ये चेंजेस अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं ये हम एक बार जानने के बाद पता करेंगे तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाएंगे हाय शिल्पी हेलो श्वेता जिन्होंने अभी तक लेट्स क्रैक नीट यूजी का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो साक्षी हंड टाइप करेंगे और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे बच्चों इसके अलावा ये एक ऐप है जो आपको इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है नी लर्निंग ऐप यहाँ पे क्या मिल रहा है यहाँ पे मिल रही है बट बेटा फ्री एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लास और क्या मिल रहा है आपको क्विज मिल रहा है इसके अलावा आपको कॉम्बैट भी फ्री मिल रहा है येस ये सारी चीज़ें आप अनलॉक कर सकते हैं कोड से क्या है कोड क्षी हंड्रेड जैसे ये कोड लगाएंगे आप अनलॉक कर लेंगे सारी फ्री स्पेशल क्लासेस टेकन बाय द टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया इसके अलावा बिटान अकेडमी में बहुत ही प्यारे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन देता है जिसका नाम है प्लस एन आइकॉनिक क्या है इनमें खास यहाँ पे मिलती है डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू तो ऑल दी कंटेंट इसका बड़ा भाई आइकॉनिक जहाँ पे आपको मिल रहा है पर्सनल मेंटोर जो कि डेली बेसिस पे आपको गाइड करेगा कि पढ़ाई को बेस्ट कैसे बनाएं लाइव डाउट सोल्यूशन टू तो सॉल्व योर डाउट्स ऑन प्रायोरिटी एंड अमेजिंग फीचर ऑफ पेरेंट कनेक्ट एंड ऑल दी प्लस बेनिफिट तो अगर इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आना है तो क्या करना होगा चूज योर गोल ऑन एन अकेडमी लर्निंग एप चूज द सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन आपके क्लिक करते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन सो अगर मैं आज बात करूं बहुत दिन से बच्चे कह रहे हैं मैम नीट ट्वेंटी वन के लिए ही बात हो रही हाँ वी नीट। वी नीट है हाय विनीत विनीत आज स्पेशल्स आएँ तो बहुत दिन से कह रहे थे ट्वेंटी वन वालों के लिए बात हो रही है वेयर इज़ ट्वेंटी टू वेयर इज ट्वेंटी थ्री तो आज हो रही है फाइनली बात तो अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप लेंगे अगर आप ट्वेल्थ में गए हैं तो वन वन ईयर का और अगर आप इलेवेंथ में गए तो टू ईयर का और इस पर आपको टेन परसेंट इमिडिएट ऑफ मिलेगा एंड माई पर्सनल गाइडेंस डो नॉट फॉगेट दिस दिस इज़ द ओ ओनली कोड और ये एक बम्पर ऑफ़र चल रहा है किसके लिए जो बच्चे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन दे रहे हैं सिर्फ मैं उनकी जानकारी की अगले वो आए हैं तो सुन लें ये ऑफ़र वापस से बैक आ गया है कि अगर आप थ्री मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी लेंगे तो वो एक्सटेंड करके थर्टी फर्स्ट जुलाई तक मिलेगा और इस पर साक्षी हंड्रेड लगाने पे मिलेगा प्लस आपको टेन परसेंट ऑफ भी इसी इसी कोड से आपको मिलने वाला है ठीक है और चलिए दिस इज माई कोर दिस इज यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ यू विल गेट ऑल द अनलॉकिंग एंड ऑल्सो माई टेलीग्राम चैनल नेम इज दिस ओनली हाय 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 सौम्या हैल्लो हैल्लो कैसे भूल जाएंगे आप लोग को तो बेटा जी पहले तो हम बता दें आप लोगों को क्या बताएंगे कितने बच्चे इलेवेंथ या ट्वेल्थ में अभी अभी गए एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट पहले तो जाओ सारे अपने फ्रेंड्स को बता दो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है क्या चेंजेस आए हैं बहुत से बच्चों को हवा भी नहीं लग रहा है कि सिलेबस में चेंज हुआ क्या है तो ये अच्छा है कि बुरा है ये एंड में आप मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगी इसका क्या प्रॉफिट आपको होने वाला है मैं हर तरफ से कहूंगी डेफिनेटली सिलेबस बढ़ रहा है बट इससे डीमोटिवेट नहीं होना क्यों नहीं होना है क्योंकि इट्स गोइंग टू हेल्प यू सम वे और अदर ये मैं बात करूंगी एंड की तरफ और जिन बच्चे जो इलेवन ट्वेल्थ में उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आई एम ओपनिंग एन ए एम ए शॉर्ट ए एम ए टूडे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जिसमें मैं आपको बताऊंगी यस yes? चलिए सौम्या में आपको आप मुझे याद है चलिए तो पहला हमारा क्लास इलेवेंथ के बारे में बात करेंगे पहली यूनिट है हमारी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ठीक है क्या है इसमें पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड जो कि पूरा का पूरा एज इट इज़ आ रहा है पहले भी इसमें कोई चेंज नहीं था अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है ठीक है अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसमें भी कोई भी चेंज नहीं आया बच्चों बिल्कुल भी चेंज नहीं है ठीक है ट्वेल्थ में भी हुआ है ट्वेल्थ का मैं बता रही हूँ आपको पहले इलेवेंथ का देख लेंगे फिर ट्वेल्थ में देखेंगे प्लांट किंगडम में पहले आपके एनजीओ फॉर्म निकाल दिए गए थे प्लांट लाइफ साइकिल हटा दी गई थी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हटा दिया गया था बट वापस से अब एड कर लिया गया ये टॉपिक वापस आ गया आपके प्लांट किंगडम में और ये जानना भी बहुत जरूरी है मुझे पता है ट्वेल्थ में इसको पढ़ाया जाएगा लेकिन लेकिन अगर आपको इसका अगर इसका जिस्ट आपको इलेवेंथ में मिल जाता है तो ट्वेल्थ में काफी ईजी हो जाता है यस श्वेता इट इज फॉर ट्वेंटी थ्री सिलेबस ऑल्सो राइट चलो एनिमल किंगडम पूरा का पूरा एज इट इज आ रहा है पिछली बार भी गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं किया था इस बार भी कुछ एड या सबस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है इसमें नेक्स्ट यूनिट है हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ठीक है इसमें पहला चैप्टर हमारा मॉरफॉलोजी है जिसमें से आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफ्रेंसिएशन पार्ट ऑफ रूट स्टेम लीव फ्रूट एंड सीड और फैमिली फेबीए भी निकाल दिया गया था बट वापस से इसको अब ऐड कर लिया गया है तो ये जो निकला था ये वापस से अब आ चुका है एनाटमी ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट पिछले साल निकाल दिया गया था पूरा चैप्टर ऐड कर लिया गया है एज एज इट इज पूरा का पूरा चैप्टर ऐड हो गया है आपका ठीक है एंड देन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आपके एनिमल टिश्यूज केवल आ रहे थे पिछले बार सिर्फ एनिमल टिश्यूज आने वाले थे इस बार आपके कॉकरोच की एनाटमी ऐड हुई है डेफिनेटली अर्थ और फ्रॉग अभी भी नहीं है ठीक है अभी भी फ्रॉग और अर्थवॉर्म नहीं है सिर्फ कॉकरोच है कॉकरोच के एनाटमी एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी तो ये आपका ऐड हुआ है इसके अलावा सेल में कोई बदलाव नहीं सेल एज इट इज पहले भी आ रहा था अभी भी आ रहा है बायोमोलिक्यूल में कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म हटाया गया था जिसको वापस से ऐड कर लिया गया बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है ठीक है इसमें एनाबोलिज्म आप बहुत चीजें पढ़ते हो नहीं इन टोटल ऑल दल नहीं इन टोटल कहाँ भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉरी यहाँ पे सेल साइकिल आएगा चैप्टर का नाम गलत हो गया है यहाँ पे सेल साइकिल आएगा सेल साइकिल वाले चैप्टर में आपके पहले पूरा चैप्टर आ रहा था अभी भी पूरा चैप्टर आ रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कंप्लीट चैप्टर ऐड हो गया है कंप्लीट चैप्टर रिमूव किया गया था इवन मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर भी आपका रिमूव कर दिया गया था इस साल वापस से पूरा चैप्टर ऐड कर दिया गया है इसके एड ऑन ये हैं कि नीट में ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता है और अगर आप इसको 11, ट्वेल्थ में स्किप कर जाते हो आपको बहुत दिक्कत होती है एग्जाम में अलग से पढ़ने में Yes बेटा अर्थवॉम एंड राना टेगरीना इज नॉट देयर ठीक है मेंढक और केचुए नहीं हैं आपके साथ तो इस बार भी आप उनसे छुटकारा पा चुके हो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में आपका अर्ली एक्सपेरिमेंट रिमूव किया गया था ये वापस से डाल दिया गया है लेकिन ये अर्ली एक्सपेरिमेंट आपको आपके प्रैक्टिकल में भी किसी ना किसी तरह से हेल्प आउट करेंगे यस yes, गायत्री यस yes, बेटा इट इज नॉट देयर अर्थ वॉमेन नो फ्रॉग नथिंग सेलुलर रेस्पिरेशन पहले भी आ रहा था एज इट इज आ रहा है ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट में ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन एंड रीव डिफ्रेंसिएशन टॉपिक निकाले गए थे जिसको वापस से ऐड कर दिया गया है डेवलपमेंट वर्नलाइजेशन और फोटो फोटो टेरिज्म भी आपके ऐड में आ गए हैं तो ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं इसके अलावा डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन में पूरा चैप्टर ऐड हुआ है और ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है मुझे नहीं पता तो गवर्नमेंट ने क्यों निकाला इसको क्योंकि जानना वाले बहुत अच्छा लाइफ प्रोसेस था इसको निकालने का मतलब नहीं था मैं भी इसको शॉर्ट किया गया होता लेकिन कोई बात नहीं इस साल पूरा का पूरा चैप्टर ऐड हो गया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एज यूजल आ रहा है जैसे आ रहा था पिछली बार बॉडी फ्लूड में सर्कुलेटरी पाथवे निकाला गया था सर्कुलेटरी पाथवे वापस से ऐड कर दिया गया है वापस से ऐड कर दिया गया है आ रहा। पूरा किडनी वगैरह सब कुछ आपका आएगा राइट right? हाँ क्वेश्चन तो काफी आते हैं फाइटो हारमोन और बहुत चीज आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अगेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट मसल और स्केल्टल सिस्टम हटाया गया था जिसको वापस से ला दिया गया वापस से इंट्रोड्यूस करा दिया गया है तो इट दे आर बैक इन दिलेबस एंड दे विल बी कमिंग इन योर एग्जाम नाउ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंसरी परसेप्शन सेंस ऑर्गन और आई और ईयर आपके आ गए हैं ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे अभी आपको भले ही लग रहा है अरे यार सब कुछ ऐड हो रहा है लेकिन अगर आप फोकस कर रहे हैं नीट पे बेटा नीट पे फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बून ये साबित होगा क्योंकि एक बार तो स्कूल वाले आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे अब ठीक है केमिकल कोऑर्डिनेशन भी एज इट इज़ पूरा आ रहा है तो ये था हमारे क्लास इलेवेंथ का सिलेबस जो कि हमने देखा है अभी इसके बाद देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस तो ये था नीट ट्वेंटी ट्वेंटी नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के बच्चों के लिए जो एड ऑनस हुए हैं ये याद रखना इवन ट्वेंटी टू वालों के लिए भी ठीक है मतलब इनको बोर्ड्स देने हैं इसके साथ साथ ये पढ़ना भी है एन की गाइडलाइन के साथ ठीक है लेकिन ट्वेंटी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका एलेवेंथ अभी बचा हुआ है ट्वेंटी टू वाले को ये कहेंगे जो चैप्टर छोड़ दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये अगर यहाँ आए हैं तो डेफिनेटली आपके ठीक है नीट में भी ये सवाल पूछे जाएंगे इसको काटा नहीं जाएगा एक बार के लिए पिछले साल के हो सकता है एक बार कंसिडर किया गया हो कि कोई बात नहीं हो सकता बच्चे बोर्ड्स में नहीं पढ़े हैं लेकिन इस साल आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये अब पढ़ाया जाने लगा है क्लियर है क्लियर है भाई चलिए अब क्लास ट्वेल्थ वालों पे चलते हैं इलेवेंथ वाले कितने बच्चे हैं हु आर गोइंग टू गिव नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टेल मी गोइंग टू गिव नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जल्दी से आई योर फ्रेंड्स ऑल्सो दैट सच सच चेंजेस हैव हैव बीन डन तो यू टू फोकस ऑन तो अगर आप अभी से पढ़ के चलोगे तो आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये रहेगा कि नीट में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये वाला चैप्टर जो इलेवेंथ में छूट गया था वो शायद फिर से करना पड़ेगा ट्वेल्थ के सिलेबस के साथ साथ बोर्ड्स के साथ साथ तो अभी आपका सब कुछ प्रिपेयर होता चलेगा साथ के साथ आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी नीट को टारगेट करने में कंपैरेटिवली नेक्स्ट आएंगे ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए रिप्रोडक्शन चैप्टर पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली एड कर दिया गया है पूरी तरह से निकाल दिया गया था ये चैप्टर वापस से ऐड हो गया है अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुत अच्छा कवरेज लाता और एक चीज और इस चैप्टर में ध्यान देंगे एन टी एन एज एसेसमेंट किया था जिसमें पाँच टॉप पाँच ऐसे चैप्टर निकाले थे जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं सिली मिस्टेक करते हैं उनमें से ये चैप्टर सबसे टॉप पे आया था वन ऑफ दन ऑफ दम दस वॉज द चैप्टर मुझे ये नहीं समझ आ रहा इतना ईजी चैप्टर है फिर भी यहाँ गलतियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं लेकिन ये चैप्टर को क्योंकि हम बहुत लाइटली लेते हैं इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा ताकि हम इसको बेस्ट बना पाएं ठीक है यहाँ से बहुत अच्छा कट ऑफ आपका निकल सकता है बहुत अच्छा कवरेज निकल सकता है छोटा सा चैप्टर है सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से हम अपने नंबर लूज आउट करते हैं इसमें नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट एज इट इज़ फुल चैप्टर कमिंग पिछले साल भी था ये इस साल भी है नेक्स्ट है हमारा क्या नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज आ रहा है ये कभी नहीं हटा था ना कुछ इसमें से निकला था ना कुछ इसमें ऐड किया गया है एज यूजल एवरीथिंग इज बेटा नी ट्वेंटी वन में कुछ नहीं चेंज हुआ इतनी इतने शॉर्ट नोटिस पे करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है पेडिग्री एनालिसिस निकाला गया था वापस से एड कर दिया गया है पेडिग्री एनालिसिस से अमेजिंग क्वेश्चन इन नीट कम्स नीट का बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन और एक क्वेश्चन तो पेडिग्री एनालिसिस से आता ही आता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है राइट मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पेडिग्री एनालिसिस यहां पे नहीं है बेटा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ़ इनहेरिटेंस एज यूजल पूरा चैप्टर आ रहा है इवोल्यूशन फुल चैप्टर इज कमिंग ठीक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ़ इनहेरिटेंस भी फुल चैप्टर आ रहा है आपका कोई चेंज नहीं है इसमें एंड देन वील कम टू बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर हाँ जी कुशल क्या नाम है इनका कुशल बोलिए बोलिए क्या बात है आपको हाय हुसैन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एज जितने आ रहा कोई चेंज नहीं स्ट्रैटीज़ वापस से पूरा चैप्टर हो गया और ये चैप्टर मैंने पढ़ाया भी और फिर से पढ़ाऊंगी घबराओ मत उड़ान बैच में पढ़ाया बट नॉर्मली भी पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सही बता रही हूँ एनिमल हजबेंड्री प्लांट ब्रीडिंग एस ये सारे बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा ठीक है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं

पूरी यूनिट खत्म है तो ना पहले हटाया गया ना अब हटाया दे जाएगा बिकॉज दिस इज फ्यूचर ऑफ फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजी बोथ थिंग्स ठीक है चलो कुशल शर्मा क्या प्रॉब्लम है हाँ जी वॉट बिकॉज ऑफ एज प्रॉब्लम आपको कहाँ से एज प्रॉब्लम हो गई कितने उम्र के हो कि एज प्रॉब्लम हो रही है आपको हैं अभी से बुढ़ापा आ रहा है इकोलॉजी एंड एनवाइ इकोलॉजी एंड एनवॉर्मेंट क्या है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पूरा का पूरा चैप्टर एज यूजल आ रहा है इस बार भी इकोसिस्टम ऐड हो गया है इकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोसिस्टम निकाला गया था इकोसिस्टम को वापस से ऐड कर लिया गया कंप्लीट चैप्टर को ऐड कर लिया गया है राइट एंड बायोडाइवर्सिटी एज यूजल आ रहा है इन्वॉर्मेंटल इश्यूज को भी एज इट इज फुल चैप्टर एड किया गया अब ये था नीट 2022 के बच्चों के लिए यानी कि जो अगले साल नीट दे रहे हैं ये सारे आपके लिए एड्स हैं आपको एलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों ध्यान देना होगा क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पिछले साल नहीं पढ़े हैं जो आपको इस बार पढ़ना पड़ेगा क्या हो गया मृणाल क्यों हंस रहे हैं आप तो ये सारे एड ऑन जो हुए हैं मेरे लिए मेरे हिसाब से तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर स्कूल में एक बार आपको टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि एक बार आप स्कूल में वो पढ़े रहेंगे तब आप हमसे पढ़ेंगे तो आपको एक बार बेसिक एक बार रीडिंग कर चुके होंगे मुझे नहीं पता कितना आप समझेंगे बट एक बेसिक रीडिंग आप ना चाहते हुए भी करके आएंगे तो आपको चीजों का पता रहेगा मे बी क्लास में आप बेटर रिस्पॉन्ड भी कर पाओ तो ये सारी चीजें आपके लिए दो जगह से टीचिंग का ठीक है दो जगह से आपको ज्ञान मिल रहा है ठीक है एक यहां से मिल रहा है खुद पढ़ रहे और एक स्कूल से भी मिल रहा है तो इट इज गोइंग टू बी एड ऑन फॉर यू और जैसा कि पता है एन सी आर टी इस समय क्या हो गई है ग्रंथ हो गई हमारे लिए इसी से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और यही स्कूल में पढ़ाया भी जाएगा तो जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा ज्यादा प्रॉब्लम होगा एज प्रॉब्लम आप छोटे हो अभी एज में कोई बात नहीं आप एक साल वेट कर लेना और क्या आई क्या एज क्राइटेरिया में अभी आ नहीं रहे हो आप हाँ बेटा नीट की क्लास सेवन थर्टी पी एम है जिसमें अनाटमी और फ्लारिंग प्लांट हम करेंगे आज ठीक है तो आज हम उसमें परमानेंट टिश्यू पढ़ने वाले हैं नॉट वरी तो ये सारे अपडेट्स से जो आए थे बच्चे अभी भी इस कन्फ्यूजन में ना बैठे बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम क्या इस साल भी सेम सिलेबस रहेगा तो नहीं रहेगा एंड फाइनली सी ने अनाउंस कर दिया है कि पहले से प्रीप्रपेयर्ड रहें कि बार बार ये नहीं बोलना पड़े कि अब ये होगा वो होगा तो आप चीज़ें स्टेबलाइज की जा रही हैं ओवरऑल इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में स्टेबलाइज की जा रही हैं ताकि आप आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो बिना बांधा के तो इस गलत फहमी में अब नहीं जीना है कि अब कुछ चेंज होगा जैसे कि अभी बच्चे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन की डेट आ गई है एक अगस्त अभी भी फिराक में कि आगे पोस्टपोन्ड होगी तो ये सब जो टोटल टोटलियाँ जो बता रहे हैं ना आपको मिस गाइड कर रहे हैं उनकी बात छोड़ो अब एजुकेशन सिस्टम को क्लियर किया जा रहा है एक साल में बहुत प्रॉब्लम आई सारी प्रॉब्लम को क्लियर करके पहले से आपको तैयारी दी जा रही है कि ऐसे ऐसे आप तैयार रहेंगे और अगले साल नीट भी बहुत नॉर्मल तरीके से होगा डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ऑन on, ऑनलाइन हो जाए और दो बारी हो जाए लेकिन सब चीज़ें आपको प्री इन्फॉर्म्ड रहेंगी ठीक है क्योंकि इस बार हम प्रिपेयर्ड होके बैठे हैं तो कुछ भी मिथ अपने दिमाग में लाना नहीं है बाई चांस अगर कोई वर्स हुई कंडीशन कुछ भी आई जस्ट होप ऐसा ना हो वी आर टेकिंग ऑल दी मेजर्स एज अ डॉक्टर ऑल्सो तो ऐसा कुछ ना हो तो इसलिए कोई भी फालतू की न्यूज पे विश्वास नहीं करेंगे बच्चे मुझे पता है बच्चे बहुत जल्दी आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है अगर कोई बता दे रही यार पता है क्या मुझे ऐसा पता चला है ठीक है मुझे ऐसा पता चला है कि यहाँ पे इस तारीख को अब वापस से नीट होगा या वापस से सिलेबस चेंज होगा मत विश्वास करो सब उड़ती उड़ती खबरें आपको आपको बर्बाद करने के लिए बोला जा रहा है कल अप्रैल फूल के नाम पे लोगों ने एन के नाम पे एक चार्ट बना के भेज दिया कि 11 जून को अब नीट का एग्जाम होने वाला है प्रीपोन्ड हो गया है तो ये सब फालतू की चीज़ों में बिल्कुल पढ़ना नहीं है ठीक है बिल्कुल अपना फोकस रखना है ठीक है और बहुत अच्छी बात है कि ऐड हुए हैं अगर आप नीट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से नहीं आप पे कोई इफेक्ट आएगा बल्कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही है जो आपको एक्चुअली पढ़ना था वो एड हो गया आपके एग्जाम में भी तो आपको एग्जाम में भी वही पढ़ना जो आप नीट में एग्जाम सिलेबस देने वाले हो क्लियर है थैंक यू मोटिवेशनल वीडियो श्वेता इज सेलिंग मैम ओनली वन लेसन आई नो फ्रॉम दिस सिलेबस इट्स ओके श्वेता आई थिंक यू आर जस्ट कमिंग टू योर इलेवेंथ स्टैंडर्ड तो इट्स ओके यू हैव टू जस्ट फोकस हाउ यू हैव टू कीप योर ईयर ठीक और जिन बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है इलेवेंथ में हो या ट्वेल्थ में गए हो आपको नहीं समझ में आ रहा है को कैसे कोप अप करना है यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन दिस इज एम ए फॉर फाइव मिनट्स आई एम ओपनिंग फॉर क्वेश्चन अगर आपकी क्वेरीज आती है आंसर इट नहीं तो हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे जल्दी बताइए एनी क्वेरीज फ्रॉम एनी वन एनी क्वेरीज फ्रॉम एनी वन कम ऑन एवरी वन हाईब्राहिम जल्दी से आई एम वेटिंग हाय अंकित हेलो हेलो जल्दी से बता देंगे बच्चे अगर है नहीं तो वी विल रैप अप द सेशन क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिन से कह रहे हैं मैम इलेवेंथ और ट्वेल्थ के लिए भी कुछ हेल्प कर दीजिए तो आई थॉट कि आज थोड़ा सा वक्त निकालते हैं आज मेरी क्लासेस कम हैं तो लेट मी टेक आउट सम टाइम और आपसे बात करें आपसे रूबरू करें एक चीज़ और है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री वाले जो बच्चे यहाँ पे हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे जोड़िए लेट्स क्रैक नीट यू जी पे ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री की भी हम तैयारी करने जा रहे हैं एंड मेरा टेलीग्राम चैनल साक्षी हंड्रेड वहां पे जोड़िए कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी तो कॉल योर फ्रेंड्स इन्फॉर्म दैन दैन दे आर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री सिलेबस टू ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको साइडलाइन किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आने वाला है एग्जाम बट दैट डजन मीन्स ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री को भूल जाना उसके चक्कर में क्योंकि उन्हें भी मेहनत करनी है ताकि वो अगले साल इस स्टेज पर पहुंच पाए कि इस समय आराम से वो अपना रिविजन अपने पी वाई क्यूज अपने क्वेश्चन पे टिके रहें श्वेता चैप्टर यू लाइक द मोस्ट आई विल सेवर चैप्टर लव दोस्ट मे बी समी मच लाइक वट एवर यूनिट मोस्ट यू शुड स्टार्ट विद दैट

बेटा यहाँ क्या कर रहे हो आप चलो तो आई जस्ट होप कि आपकी कोई क्वेरीज नहीं है होती तो मैं डेफिनेटली आंसर कर दूँ इतना एक सजेशन दे के जाऊंगी कि जो बच्चे अभी अभी ट्वेल्थ में आए हैं वो डेफिनेटली बोल रहे हैं कि मैम इलेवेंथ का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें हाय महिमा तो उनके लिए एक सजेशन है कि अभी जो वक्त मिला है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गोल्डन साल भर मस्ती कर ली इंजॉय कर लिया But this time is the तो उससे बाहर निकलने का एकमात्र सोल्यूशन यही है कि ये जो टाइम आपको इस समय मिल रहा है आप घर ही बैठे हुए हो आराम से तो चुपचाप अपनी तैयारी में लगा दो इलेवन ट में ट्वेल्थ का भी सिलेबस जो है अभी तेजी से शुरू नहीं होगा अगर ट्वेल्थ में आ गए हो ठीक है ट्वेल्थ में आ भी गया तो अभी बहुत तेजी से शुरू नहीं हो सकता तो अभी आप एक दो महीने में इलेवेंथ का सिलेबस आराम से खत्म कर सकते हो पढ़ के तो ये जो टाइम है ये आपका प्रेशियस टाइम है इस समय आप अपने इलेवेंथ का रिविजन जरूर करोगे यस कुशल यू कैन डू इट एम जस्ट सेइंग दैट ओनली कि दिस इज द टाइम यू शुड डू योर इलेवेंथ सिलेबस

वन से टू मंथ आशुतोष बुलाए एक से दो महीने लीजिए अगर आप डेली एक चैप्टर भी बांधोगे एन इतनी कोई मोटी बुक नहीं है कि आप एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर सकते बहुत बड़ा चैप्टर तो आप हाफ हाफ कर लो लेकिन आराम से कर लोगे कि कितने ही चैप्टर हैं आपके इलेवेंथ में पांच ही तो यूनिट है ठीक है पांच यूनिट है उसमें दो दो तीन तीन, तीन चार चार चैप्टर्स हैं बस आपके प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा सा बना बड़ा है ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी बाकी सब तो क्या कहोगे एक दो दो दिन लो और रिवाइज करो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम के लिए चार्ट बनाओ अभी से और अपने हैंड नोट्स खुद बनाइए हाय शारदा अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाइए सुन रहे हैं एंड दिस इज वेरी सीरियस लोगों से मांग मांग के लोगों की कॉपी में देख देख के पढ़ने से अच्छा है, अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ो बेस्ट पॉसिबल वे टू सोल्व योर क्योंकि बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी ईजी लगेगा क्योंकि वो आपके खुद के हुए। जब खुद का लिखा हुआ पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी स्ट्राइक करते हैं टॉपिक शारदा इज लाइक आई एम इन क्लास इलेवन ना बेटा दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी सात के साथ इलेवन का सिलेबस तो वापस से आपका वापस से नॉर्मलाइज कर दिया गया है तो सात के साथ नीट के नोट्स बनाते चलेंगे मैंने पहले से बताया है कि जब भी आप पढ़ाई करें एक पेपर रखेंगे जिसमें सिर्फ आप अपने किसके साइंटिस्ट के नाम नोट करते चलेंगे साइंटिस्ट के नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके ईयर भी ईयर तो इतने नहीं पूछे जाते बट साइंटिस्ट के नाम फादर ऑफ़ दिस फादर ऑफ़ दैट ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी होगी नोट्स कैसे बनाए इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है प्लीज गो वॉच इट इज़ ऑन दी लेट्स क्रैक नीट यू चैनल डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट महिमा बेटा इट कैन हैपन इट्स नॉट नॉट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपसे नहीं हो पाएगा बट आपको अपना डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा नीट की तैयारी के लिए डेफिनेटली श्वेता आई टीच प्लांट फिजियोलॉजी या आई नो श्वेता यू आर इन टेंथ बट आई जस्ट शोप कि पहले आप अपने यू गिव योर बोर्ड्स यू फिनिश योर बोर्ड्स देन विल टॉक अबाउट इट बिकॉज बोर्ड्स आर नियरिंग नाउ ओके चलिए तो बेचार जो लोग 21 वन नीट देने वाले हैं उनके लिए बैच 90 डेज का आ गया है जहाँ जो कि थर्ड अप्रैल यानी कि कल से शुरू हो रहा है टमोरो इज थर्ड अप्रैल राइट एंड ये अर्ली एंथ बैच है नीट ट्वेंटी के लिए अगेन कौन है ये बच्चे ये आप ही बच्चे हैं जो अभी ताज़ा ताज़ा ट्वेल्थ में आए हो ठीक है इनके लिए प्लस पे ये बैच शुरू हो गया है सेवेंथ अप्रैल से आने वाला है तो अगर आपको इस बैच का हिस्सा बनना है ये सारे टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं एंड इज अमेजिंग ऑफर गोइंग ऑन टूडे कि अगर आप थ्री सब्सक्रिप्शन लेंगे जो कि नीट 2021 के लिए है तो आपको एक्सटेंड होके वो थर्टी फर्स्ट जुलाई तक मिलेगा यानी आपके नीट के एग्जाम तक मिल जाएगा और इसका साक्षी हंड्रेड कोड लगाएंगे तो ये आपको आराम से टेन परसेंट ऑफ पे मिलेगा यानी इसकी इसका प्राइस लगभग फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज पड़ेगा फॉर फोर मंथ्स लाइक थ्री प्लस वन इज द ऑफर हाँ इख्तिहार बेटा आई एम नॉट क्लासेस आई एम जस्ट से डेडिकेटेड टाइम आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है आउट ए डेडिकेटेड टाइम की मान लो आपने रख दिया फाइव ओ क्लॉक से सेवन ओ क्लॉक तक आपको सिर्फ या सुबह के सुबह में आप उठोगे छः बजे छः से, से आठ आपको सिर्फ और सिर्फ पुरानाबस रिवाइज करना है इफ यू गिव सच डेडिकेटेड टाइम डेफिनेटली डू इट यू इग्नोर योर स्टडीज बट हाँ अभी दे के, अपनी पुरानी की स्टडीज को कोप अप कर लेंगे राइट तो प्लस पे बेटा ये सारे अमेजिंग एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं इसके अलावा सिक्सटी प्लस और एजुकेटर है जिनकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो तो देख रहे इतने अमेजिंग आनंद मनी सर है गरिमा गोयल मैम है दुष्यंत सर एस एसके सिंह सर हैं, वैभव सर हैं, गौरव गुप्ता रक्षिता सिंह ये सारे एजुकेटर आपको प्लस पे पढ़ाने वाले हैं। चलो, हैंडमी कॉम्बैट an हर संडे आ रहा है इसमें आपको 100 परसेंट स्कॉलरशिप और 150 विनर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा सो दिस आर दी अलग अलग अमेजिंग ऑप्शंस फॉर यूर सब्सक्रिप्शन अगर आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं यू कैन अफोर्ड इट गो फॉर इट इट्स अ सीरियस एडवाइस बाकी ठीक है आपको जहाँ से पढ़ना आप पढ़ सकते हो लेकिन दिस इज अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको ऑप्शन इतने कि आप सोच नहीं सकते हो ठीक थैंक यू सो मच इतिहासार साक्षी हंड्रेड इज माई कोड इट इज साक्षी हंड्रेड और यही मेरे टेलीग्राम का नाम है बेटा ग्रुप का डेफिनेटली ज्वाइन इट एंड बी द पार्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन और अगर आप साक्षी हंड्रेड लगाएंगे तो मेरी पर्सनल गाइडेंस टेन परसेंट ऑफ आपको इमिडिएटली मिल जाएगा सो फॉलो मिया उन्होंने क्या आडमी आई टेक स्पेशल क्लास एट वन पी एम डेली आज भी हुई है और रोज़ होगी तो कल मेरी स्पेशल क्लास दो से तीन होगी तो आई विल टेल यू वेन इज द स्पेशल क्लास गोइंग टू हैपन ठीक है चलो क्या हो रहा है हाय फरहान हेलो हेलो वो धोनी आए धोनी जी आई एम ऑल्सो ए फैन ऑफ धोनी तो थैंक यू एवरीमान लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर कर दो शेयर जरूर कर दो आपके फ्रेंड्स तक एटलीस्ट दे शुड नो वॉट इज एडेड नहीं तो अभी कंफ्यूजन में ही बैठे हैं कि अरे अभी तो इस साल भी सिलेबस कम ही होगा उनको नहीं पता है जो कम हुआ है वो वापस आ रहा है एंड दैट इज गुड एक्चुअली क्यों गुड है क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है आपकी नीट की तैयारी के लिए और शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स हैं एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैम लाइव कब आ रही है सब लोग जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे और वो घंटी बजा देंगे ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि मैम लाइव कभी आ रही है और बहुत जल्द बहुत जल्द मैं नी ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री का बैच भी शुरू कर रही हूँ सो डू नॉट वरी ठीक है हाय अनन्या डू नॉट वरी राइट चलो थैंक यू एवरीवन हैव अ ग्रेट डे बाय